आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की जिनके परिवार का बैकग्राउंड बॉलीवुड था। उन्होंने हिट फिल्में भी दी, बावजूद इसके यह सेलिब्रिटी बॉलीवुड में अपनी पहचान तलाशता रहा। इस सेलिब्रिटी के पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी फैमिली के लगभग एक एक मेंबर बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जिस सेलिब्रिटी की आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, उन्होंने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन अपने दूसरे भाइयों की तरह वो इतने पॉपुलर नहीं हुए और इस इंडस्ट्री में अपना अस्तित्व तलाशते रहे। हम आपको बताएंगे कौन है ये सितारा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। इतना कुछ कहने के बाद ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अभिनेता और कोई नहीं राजीव कपूर हैं। जी हाँ, राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर। रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई थे राजीव कपूर। आज हम आपको बताएंगे कैसा था राजीव का उनके पिता के साथ रिश्ता और राजीव कपूर की आखिरी फिल्म को लेकर करेंगे बात। राजीव का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। एक बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण राजीव ने हमेशा से ही एक रॉयल जिंदगी जी है। उन्हें स्ट्रगल क्या होता है यह तब पता चला जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। राजीव कपूर से भी ऑडियंस को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ऑडियंस पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर को या तो बड़े पर्दे पर काम करते हुए देख चुकी थी या देख रही थी। एक जान है हम मूवी से राजीव कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। शम्मी कपूर की तरह एक डांस सीक्वेंस फिल्माया था राजीव कपूर ने इस फिल्म में। इस सीन को देखने के बाद दर्शकों ने राजीव को शम्मी से कंपेयर कर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। राजीव कपूर की आसमान फिल्म के बाद दिव्या राणा के साथ उनके अफेयर्स की चर्चा बाजार में सुर्खियां बटोरने लगी। राजीव ने जब कई फिल्मों में काम कर लिया और उनके नाम को कोई पहचान नहीं मिली, तो उनके पिता ने राजीव और मंदाकिनी को लेकर एक फिल्म बनाई, राम तेरी गंगा मैली। हालांकि इस फिल्म से पहचान मिली तो सही, लेकिन यह पहचान मिली मंदाकिनी को। इस फिल्म में फैंस ने सबसे ज्यादा मंदाकिनी को पसंद किया। इस फिल्म के बाद राजीव की उनके पिता राज कपूर के साथ अनबन हो गई, क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि फिल्म में जानबूझकर उनका किरदार कमजोर क्यों दिखाया गया है। एक वजह और अनबन का कारण बनी जब राज कपूर हिना फिल्म बना रहे थे। उस वक्त राजीव कपूर को पूरी उम्मीद थी कि राज कपूर उन्हें अपनी फिल्म में जरूर लीड एक्टर के तौर पर कास्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म में कास्ट किए गए ऋषि कपूर। इसके बाद राजीव ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। आपको बता दें, फिल्म हिना के दौरान सलमान और राजीव की एक झड़प हुई थी और हाथापाई जैसी खबरें भी सामने आई थी, क्योंकि हिना फिल्म की शूटिंग जिस लोकेशन पर हो रही थी, ठीक उसी जगह सलमान की भी फिल्म शूट हो रही थी। आप लौट चले और प्रेम ग्रंथ फिल्म में राजीव ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया। अब्रॉड ट्रेवल के दौरान राजीव की मुलाकात एक आर्किटेक्ट आरती से हुई। वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि यह शादी कुछ महीनों में ही निजी समस्याओं के चलते टूट गई। राजीव इस इंडस्ट्री में एक ट्राई और करना चाहते थे और उन्होंने इस इंडस्ट्री में घुसने की तैयारी भी कर ली थी, और वो फिल्म तुलसीदास जूनियर फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले थे। इस फिल्म में वो एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि राजीव अपनी ये फिल्म देखते, बीते दिन ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।